मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस उद्देश्य से उन्हें पार्टी में लाया गया है उनके आने तक वह तख्ती नहीं लगी होगी। बड़ी देर कर दी मेहरबान ने आते आते। मिथुन पहले भी राजनीति में रह चुके हैं, कई पार्टियों का उन्हें अनुभव भी है। अब यहाँ आए हुए उम्मीद करता हूँ कि जिस नियत से जिस उद्देश्य से उन्हें लाया गया है उसे पूरा होने से पहले ही ब्रेक न लग जाए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मिथुन पार्टी में आने से बंगाल चुनाव में भाजपा को कोई भी लाभ होगा। पहली बात तो ये बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है, किसे लाते हैं किसे नहीं लाते हैं उनके ऊपर है। जहाँ तक फायदा का सवाल है, मैं मिथुन चक्रवर्ती को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। प्रहलाद नीलानी साहब हमारे साथ खड़े हैं, हम दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत ही अच्छा इंसान भी है मिठुन चक्रवर्ती, काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। अब उनको लाया गया है फायदे के लिए, क्योंकि मिठुन तो पॉलिटिक्स में पहले भी रह चुके हैं, कई पार्टी का उनको अनुभव है, कई पार्टीज़ का उनको अनुभव है। अब आज यहाँ आए हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस नियत और जिस उद्देश्य से लाया गया है या जिस फायदे के उद्देश्य से, तो कहीं वहाँ पर तख्ती न लग चुकी हो कि जब तक आए हैं तब तक ये तख्ती न लग चुकी हो कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, मैं भले कहीं एक कलाकार होने के नाते और देश का एक सचेत नागरिक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक हवा है ममता जी की, और ख़ासकर अभी जो लेफ़्ट और कांग्रेस ने साथ दिया है और इतनी बड़ी रैली की थी, वो रैली शायद इस रैली से कम नहीं थी। वो भी रैली बहुत ज़बरदस्त रैली जो कर रैली आपने देखा। अब उसमें जाके मिथुन चक्रवर्ती आए हैं, हो सकता है उनकी या तो बहुत जल्दी में उनको लाया गया हो या जैसे भी लाया गया हो, वो आते आते अच्छा होता अगर वो सांप बिच्छू और कोबरा की बात नहीं करते, कुछ पॉलिटिकल बात करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आते आते सांप बिच्छू कोबरा या लाश वहाँ जाएगी और ये मारूंगा यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली। हालांकि मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यारा इंसान है मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन बातों का अब बहुत ज़्यादा कोई पार्टी फ़ायदा उठा पाएगी।